हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आईक्यू पर। साथियों, एक बार फिर से यहाँ पे पैरामेडिकल के पदों पर वैकेंसी जारी कर दी गई। ये वैकेंसी दोस्तों पैरामेडिकल के अलग अलग पदों पर जारी की गई है। इसमें हम पूरी डिटेल देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो पोस्ट है स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है। साथ ही दोस्तों फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी है और दोस्तों जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी इसमें वैकेंसी जारी की गई है। साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए, ENM के लिए, ECG टेक्नीशियन के लिए। ये दोस्तों वैकेंसी किसके द्वारा जारी की गई है, साथ ही इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको हम बता दें। ये वैकेंसी दोस्तों परमानेंट बेसिस है, यानी दोस्तों परमानेंट ये वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। तो स्टाफ नर्स के लिए ये दोस्तों केवल फीमेल के लिए रहने वाली है, जिसमें 80 वैकेंसी है दोस्तों। ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें दोस्तों लेवल आपको एट का दिया जाएगा, यानी आपकी जो सैलरी रहेगी 29,200 से लेके 92,300 रुपये रहने वाली है। फार्मासिस्ट के लिए 40 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें दोस्तों ग्रुप सी की ये पोस्ट है, लेवल 7 का रहेगा, यानी 25,500 से लेके 81,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों 40 पदों पर ये पोस्ट जारी की गई है और ग्रुप सी की ये पोस्ट है दोस्तों, जिसमें लेवल 7 का दिया जाएगा और आपकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों 25,500 से लेके 81,100 रुपये रहने वाली है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें 9 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। ग्रुप सी के लिए है दोस्तों, जिसमें लेवल 7 का यहाँ पे रहने वाला है और जिसमें 25,500 से लेके 81,100 रुपये सैलरी रहेगी। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी OT असिस्टेंट के लिए दोस्तों ये वैकेंसी है, 8 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, लेवल आपका 4 का रहेगा, यानी 19,900 से लेके 63,200 इसकी सैलरी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ENM के लिए। ये भी दोस्तों ओनली फीमेल के लिए है, जिसमें 8 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। ग्रुप सी की पोस्ट है और लेवल इसमें 5 का रहेगा, यानी आपकी जो सैलरी है वो 21,700 से लेके 69,100 रुपये रहने वाली है। ECG टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें 4 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, लेवल 7 का दिया जाएगा और दोस्तों 25,500 से लेके 81,100 रुपए इसकी सैलरी रहने वाली है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों ये वैकेंसी किसके द्वारा जारी की गई है, कब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी यहां पे जानकारी देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हाल ही में इसका जो पहले 31/12/2022 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन इसका पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों अभी 17/1/2022 को ये इसका अपडेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड है यहाँ पे 350। वेबसाइट दोस्तों www.ossc.government.in, इस साइट पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये दोस्तों एप्लीकेशन इनवाइटेड यानी ऑनलाइन फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हो गए हैं, तो ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दोस्तों 27 जनवरी 2023 से यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं और इसकी दोस्तों लास्ट डेट 24 फरवरी 2023 रहने वाली है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो 27 जनवरी से ये भी स्टार्ट हो गए हैं और 26 फरवरी 2023 तक, यानी दोस्तों इसमें पहले रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होगा। अब मोड ऑफ एप्लीकेशन के लिए दोस्तों ऑनलाइन मोड ये दोस्तों होगा, यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कहाँ पर भरे जाएंगे, तो ये साइट आपको याद कर लेना है www.ossc.government.in। नो फिजिकल कॉपी हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीडेड टू सबमिटेड बाय एप्लीकेंट। दोस्तों इसमें कोई भी दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ये भरे जाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन इनवाइटेड ऑनलाइन थ्रू OSSC जो वेबसाइट है इस पर आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट आपने देख ली, और साथ ही अगर हम जान लेते हैं दोस्तों इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये पूरी डिटेल हम देख लेते हैं। तो पूरी डिटेल के लिए दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे इस तरह से बटी हुई हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका ऑफिशियली PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका दोस्तों जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ये पूरी यहाँ पे जानकारी दी गई है, अलग अलग पोस्ट बाय ये दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी जानकारी, और इसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा उसको भी हम देखेंगे।
वर्क ऑफ प्लेस यहाँ पे प्रोवाइड किए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे हम देख लेते हैं कि इसकी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों क्या रहेगा। तो जनरल क्राइटेरिया अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट शुड बी दोस्तों, वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, ऑफ साउंड हेल्थ, गुड फिजिक्यू एंड फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिफेक्ट, और यहाँ पे बॉडीली इन्फर्मिटी होनी चाहिए, और इफ़ यू मैरिड मस्ट नॉट बी हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, यानी दोस्तों अगर आप मैरिड हैं तो आपकी सिर्फ एक ही पत्नी होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मस्ट बी एबल टू रीड विद ब्राइट एंड स्पीक उड़िया फ्रिक्वेंटली, यानी दोस्तों उनको उड़िया दोस्तों भाषा अगर आती है यहाँ पे तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो ये पोस्ट ओनली उड़ीसा के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टाफ नर्स फीमेल के लिए अगर हम बात करें 10+2 विद GNM डिप्लोमा वाले INC अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट होती हैं, कैंडिडेट हैविंग BSc नर्सिंग जिन्होंने किया है ऑल्सो एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट मस्ट बी हैव रजिस्टर्ड अंडर द नर्सिंग बोर्ड उड़ीसा, ये आपको ध्यान रखना है। फार्मेसिस्ट के लिए देख लेते हैं दोस्तों, दो यहाँ पे 10+2 साइंस सब्जेक्ट से यानी दोस्तों 12वीं विज्ञान संकाय से होना चाहिए, और दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी बैचलर फार्मेसी इसमें मांगा गया है। AICTE अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट होती हैं दोस्तों, एंड मस्ट हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ अंडर फार्मेसी काउंसिल उड़ीसा में आपका होना चाहिए। और जूनियर जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस सब्जेक्ट विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी दोस्तों, और जो टेक्नोलॉजी हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ स्टेट बोर्ड ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन उड़ीसा, यानी दोस्तों साइंस सब्जेक्ट से 12वीं पास होना चाहिए, उसके पास DMLT होना चाहिए, साथ ही दोस्तों उड़ीसा दोस्तों मेडिकल काउंसिल का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मांगा गया है। एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो 10+2 साइंस विथ यहाँ पे डिप्लोमा मेडिकल रेडिएशन एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट होती हैं उससे, रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट बोर्ड ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी इसमें मांगा गया है। OT असिस्टेंट के लिए बात करें 10+2 साइंस सब्जेक्ट से डिप्लोमा इन फार्मेसी बैचलर इन फार्मेसी फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट होती है मस्ट हैव रजिस्टर्ड अंडर फार्मेसी काउंसिल ऑफ उड़ीसा इसमें मांगा गया है। ANM के लिए बात कर लेते हैं, ANM के लिए भी दोस्तों 10+2 विथ ANM कोर्स यहां पे मांगा गया है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड कैंडिडेट मस्ट बी हैव रजिस्टर्ड नर्सिंग बोर्ड ऑफ उड़ीसा से यहां पे होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन के लिए बात कर लेते हैं, 10+2 साइंस सब्जेक्ट विथ डिप्लोमा ECG टेक्नोलॉजी इसमें मांगा गया है, और यहाँ पर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अप्रूव्ड यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए। अब दोस्तों एज की बात करें तो एज आपकी 1 जनवरी 2022 के तहत यहाँ पे दोस्तों 38 ईयर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 21 से लेके 38 यहाँ पे ईयर तक। अब तो पर जो एज लिमिटेड रिलैक्सेशन रहेगा कैंडिडेट बिलोंग टू यहाँ पे, तो उनको अलग अलग यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, और इसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें पैटर्न क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, तो जो भी इसमें एग्ज़ाम होगा आपका राइटिंग एग्जामिनेशन होगा जिसमें टेक्निकल पेपर यहाँ पे पूछा जाएगा, और टेक्निकल पेपर की बात करें यानी दोस्तों आपका सिर्फ टेक्निकल फील्ड से ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपका GK मैथ्स वगैरह इसमें नहीं आएगा। टेक्निकल फील्ड अगर आप दोस्तों DMLT से हैं तो आपका DMLT का सिलेबस पूछा जाएगा, उसी तरह दोस्तों अगर आप नर्सिंग से तो नर्सिंग से पूछा जाएगा, यानी टेक्निकल नॉलेज इसमें 200 मार्क का पूछा जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह नहीं दिया है कि कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो अगर हम बात करें सेपरेट टेक्निकल जो पेपर रहेगा ईच पोस्ट एक्सेप्ट OT असिस्टेंट और जो फार्मेसी के लिए दोस्तों यहाँ पर सेम टेक्निकल पेपर रहने वाला, ये आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद क्या होगा, स्टेट जो सेकंड में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तो इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी, इसका ऑफिशियली PDF पे यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी भाई पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।